अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टेशनरी बुक शॉप POS सॉफ्टवेयर, जो कि आपका स्टॉक मैनेज करेगा, कितना आपके पास स्टॉक आ रहा है, कितना आप सेल कर रहे हैं, और इसके साथ आपका अकाउंट्स बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंप्लीट, पूरा कंप्लीट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। इसका डेमो आपको दिखाएंगे। ये आगे यूज़र लॉगिन स्क्रीन, आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, हर यूज़र को लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं और एक एडमिन होगा जिसके पास कंप्लीट एक्सेस होगा। इसको हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं डैशबोर्ड आ रहा है, जिसमें आपके पास ओपनिंग कैश, करंट कैश, रिसीवेबल्स, पेएबल्स शो हो रहे हैं। इनको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं न्यू आइटम। न्यू आइटम में आप कैटेगरी बना देंगे स्टेशनरी की, ठीक है। अब स्टेशनरी के अंदर आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे पेन है, इसी तरीके से पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से जो है वो आपका जो है वो बुक्स हैं। अब बुक्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जैसे गाबा की बुक है या ब्रांड्स हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब पेन के अंदर मैंने बता दिया फॉर एग्जाम्पल पियानो पेन, ठीक है। यहाँ पर आप आइटम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, परचेजिंग प्राइस बता सकते हैं कि पर पीस की क्या प्राइस है। 5 रुपीज़ परचेजिंग है और 10 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, ये मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से मैं बुक में आ जाता हूँ, मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल गाबा बुक, परचेजिंग प्राइस आपने डाल दी फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ इसकी सेलिंग प्राइस डाल दी। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज अपने सारे आइटम्स इसमें ऐड कर देंगे। आइटम आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं वेंडर एंड सप्लायर्स, जिनसे आप ये आइटम परचेज करते हैं। अब मार्केट में दो वेंडर्स होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। अब आपके अगर कैश वेंडर्स होंगे तो आपने कैश में ऐड करना है, क्रेडिट होंगे तो आप क्रेडिट में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया अली बुक स्टोर एक मेरा वेंडर है, उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया सेव, ये मेरे पास ऐड हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज बिल। अब मेरे पास स्टॉक आ रहा है, मैंने बता दिया किस वेंडर से स्टॉक आ रहा है, मैंने बता दिया अली बुक स्टोर से स्टॉक आ रहा है। इनवॉइस नंबर क्या है, मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, जिस इनवॉइस के अगर मैं स्टॉक आ रहा है क्या आ रहा है, मैंने बता दिया पियानो पेन आ रही है, कितनी आ रही है, 10 पीस आ रहे हैं, 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये का स्टॉक ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा गाबा की बुक्स आ रही है, मैंने यहाँ पर गाबा सर्च किया, कितनी क्वान्टिटी आ रही है, मैंने बता दिया 30 बुक्स आ रही है मेरे पास, 20 के हिसाब से 600 की बुक्स आ रही है। अगर कोई डिस्काउंट आपको वेंडर दे रहा है इन अमाउंट या इन परसेंटेज, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 650 का टोटल हमारा बिल बन गया। अब आप पेमेंट कितनी पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये पे कर दिया अपने वेंडर को, बकाया 550 रुपये जो है वो इसके लेजर में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, अली बुक स्टोर के लेजर में। वो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको हम प्रिंट करते हैं। ये आपकी परचेज इनवॉइस प्रिंट हो गई। आप अपने क्लाइंट को PDF करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा। इसको हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट्स में आ गया मैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स के शॉर्टकट्स हमने दिए हैं। परचेज रिपोर्ट्स में आ गया, ये आप देख सकते हैं परचेज रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आ गई कि अली बुक स्टोर से हमने इस डेट को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में ये स्टॉक परचेज किया था, टोटल 650 का स्टॉक परचेज किया था। अगर आप वेंडर वाइज देखना चाहें तो आप वेंडर वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज देखना चाहें तो आप डेट वाइज देख सकते हैं, या एक्सेल पर कन्वर्ट करना चाहें, प्रिंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टॉक रिपोर्ट देखूँगा तो स्टॉक रिपोर्ट मुझे आ जाएगी कि पियानो पेन में पास 10 क्वान्टिटी आ चुकी है, इन हो गया, गाबा में पास 30 पीस इन हो चुके हैं, आउट अभी तक 0 है, कोई सेल हमारी नहीं हुई है, तो ये हमारे पास स्टॉक क्लोजिंग में यही पड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स इनवॉइस में आ गया मैं। अब कौन सा कस्टमर आ रहा है, पियानो पेन में एक सेल कर दी मैंने 10 रुपये की, गाबा की एक मैंने बुक 2 सेल कर दी, टोटल मेरा 60 रुपये का बिल बन गया, 100 रुपये मैंने रिसीव कर लिए, सॉफ्टवेयर ने बता दिया 40 रुपीज़ आपको वापस देने, कैशबैक हो गया। कंट्रोल पी करूँगा तो ये हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा, ऊपर आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, पूरा एक इनवॉइस नंबर, डेट टाइम, क्या क्या कस्टमर ने परचेज किया, पूरी एक इनवॉइस बन के, और ये छोटा थर्मल प्रिंटर है उससे प्रिंट हो जाती है। अगर आप इनवॉइस A4 पर प्रिंट करना चाहें तो आप A4 की सेटिंग भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं अपना स्टॉक चेक करूँगा, ऑटोमेटिक मेरा स्टॉक कम हो गया, 10 पीस थे एक सेल हो गया 9 रह गए, गाबा के 2 थे 2 सेल हो गए 28 रह गए, इस तरीके से आपका स्टॉक ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसके साथ साथ मुझे देखना है डेली सेल रिपोर्ट, डेली सेल रिपोर्ट में आऊँगा मैं, डिस्प्ले करूँगा। तो अब तक की मेरी सेल रिपोर्ट आ गई,
कि मेरे पास पियानो पेन आज की एक सेल हुई है, गाबा ये टोटल 60 रुपये की मेरी सेल हुई है। पीरियड वाइज आप देखना चाहें पीरियड वाइज देख सकते हैं, कस्टमर वाइज देखना चाहें या रीजन वाइज देखना चाहें तो आप मल्टीपल फिल्टर्स इसमें लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पार्टी के लेजर्स आ जाएंगे। अब मुझे देखना है कि मेरा जो वेंडर है अली बुक स्टोर, उसको कितनी पेमेंट मुझे देनी है। तो ये आप देख सकते हैं 650 की परचेजिंग की थी, 100 रुपये हम दे चुके थे इनवाइस के अगेंस्ट में, 550 में मरीज हमें इसको देने हैं। इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट फॉर्मेट में भी इसका लेजर आ जाएगा। आप पार्टी को व्हाट्सअप करना चाहें, ईमेल करना चाहें, आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की तमाम रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री के लेजर्स हैं, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, आज के दिन में आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, 15 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है टोटल, तो ये आपको बता रहा है आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से अकाउंट लेजर हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस हैं, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, इसमें आप अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। आपका कंप्लीट अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्री और प्लस स्टोर चलता रहेगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारा फ़ोन नंबर है, यही नंबर व्हाट्सएप पर भी है, डिस्क्रिप्शन पर भी हमारा जो है वो नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।